हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवन एस एस टी के हमने फर्स्ट वीडियो में रीजनल कल्चर का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था जो लेसन सिक्स का है हिस्ट्री से रिलेटेड है हम अपने सेकेंड वीडियो में इट मीन सेकेंड क्लास में एस एस टी की ग्रोथ ऑफ हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि रीजनल कल्चर का ही एक पार्ट है ग्रोथ ऑफ हिंदी लैंग्वेज इट मीन्स हिंदी इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन मिडाइवल इंडिया मिडाइवल इंडिया में हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी कौन सी सेंचुरी में मिडाइल एरिया में जब हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी सेवन्थ एंड टेंथ सेंचुरी में फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मिडाइल हिंदी वॉज इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिज भाषा जो सेवन से लेकर टेंथ सेंचुरी में मिडाइल हिंदी मिडाइवल हिंदी इट मीन्स मिडाइवल टाइम में जो हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ वो लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज कौन सी भाषा से ली गई थी कौन सी लैंग्वेज से ली गई थी ब्रज भाषा से उसके आइडियाज़ लिए गए थे ए डायलैक्ट स्पोकन इन अराउंड द मथुरा रीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर ए डायलैक्ट डायलैक्ट इट मीन्स क्या होता है डायलैक्ट होता है जो ब्रज भाषा है ब्रजभाषा कहाँ की डायलैक्ट भाषा थी डायलैक्ट का मतलब होता है लोकल भाषा लोकल लैंग्वेज ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती थी मथुरा में बोली जाती थी कौन से ड्यूरेशन में किसके ड्यूरेशन मिडाइबल टाइम में किसके ड्यूरेशन में बोली जाती थी अकबर के ड्यूरेशन में बोली जाती थी फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हिंदी पोइट्स ऑफ द एज वर गोस्वामी तुलसीदास द दा राइटर ऑफ रामचरित्र मानस एंड सूरदास हु कंपोज सूर सागर स्टूडेंट इसमें है हिंदी पोइट्स की हिंद मिडाइबल टाइम में हिंदी डेवलप भाषा थी डेवलप्ड लैंग्वेज थी सेवन टू टेंथ सेंचुरी में और हिंदी के जो आइडियाज़ थे वो किस फॉर्म में लिए गए थे ब्रजभाषा की फॉर्म में लिए गए थे और ब्रजभाषा किस एरिया की डायलेक्ट लैंग्वेज थी मथुरा की डायलेक्ट लैंग्वेज थी और ब्रजभाषा मथुरा की डायलेक्ट लैंग्वेज थी वो किस टाइम में बोली जाती थी अकबर के टाइम में बोली जाती थी मिडाइवल टाइम में हिंदी को डेवलप करने के लिए हिंदी के कोट पोइट हिंदी के पोइट्स हुए थे हिंदी के पोइट्स थे गोस्वामी तुलसीदास द राइटर ऑफ़ रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस को कम्पोज किया था इसी तरीके से सूरदास ने कंपोज किया था सूरसागर को कंपोज किया था फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रोथ ऑफ़ मराठी ये हम रीजनल कल्चर का पार्ट ही पढ़ रहे हैं रीजनल कल्चर से रिलेटेड ही स्टडी कर रहे हैं इसमें लैंग्वेज भी प्रोमिनेंट है तो सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ मराठी द बहमनी रूलर्स पैट्रोनाइज मराठी एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन देअर किंगडम स्टूडेंट साउथ की तरफ टू एम्पायर्स थे मिडाइवल टाइम में टू एंड टू डेंसिटी थी मिडाइवल टाइम में कॉन्टीटेंसी हिंदू रूलर में तो विजयनगर विजयनगर एम्पायर था जहाँ पे हिंदू रूलर्स रूल करते थे इसी तरीके से बहमनी एम्पायर था बहमनी एम्पायर में मुस्लिम रूलर्स रूल करते थे तो जो बहमनी रूलर्स थे उन्होंने मराठी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया था पेट्रोनाइज इट मीनस क्या है प्रोटेक्ट किया था मराठी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके उसके प्रोस्पीरियटी के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए कई बहुत सारा वर्क किया था और उस टाइम में बहमनी रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी मराठी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होने का मतलब है मींस है कि जो भी सारे ऑफिशियल वर्क होते थे वो मराठी लैंग्वेज में होते थे फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन मराठी भक्ति संत लाइक जानेश्वर, तुक्कार नामदेव एकनाथ कंपोज्ड ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द पोएम्स इन मराठी सिंपल सा है कोर्ट पोइट ऑफ मराठी मराठी के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन कौन से थे और कोर्ट पोइट इट मीन्स मिडाइवल टाइम में कोर्ट पोइट कौन कौन से थे मराठी लैंग्वेज के कौन कौन से संत थे जानेश्वर, तुक्कार नामदेव एकनाथ इन्होंने बहुत सारे कम लैंग्वेजेस में कंपोज किए थे सॉन्ग्स और स्पेशली मराठी लैंग्वेज में इन्होंने कंपोज किए थे सॉन्ग फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज की ग्रोथ में है पंजाबी ऑल्सो डेवलप्ड द मेडाइवल पीरियड द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी फोक टेल्स फोक टेल्स इट मीन्स जो लोकल टेल्स होती है इट मीन्स जो लोकल लेवल पे जो टेल्स से इधर से उधर घूम के जो वार्ड्स होते हैं जो बोलते हैं उन्हें हम कहते हैं फोक टेल्स फोक टेल्स इन पंजाबी लैंग्वेज फोक टेल्स उस टाइम में मिडाइव टाइम में पंजाबी लैंग्वेज में होती थी एडिट एडिट द राइटिंग द राइटिंग्स ऑफ मुस्लिम राइटर्स इन पंजाबी वर नोन एज किस्सो तो सबसे फर्स्टली हम ये ये स्टडी करेंगे इसमें द राइटिंग्स ऑफ मुस्लिम राइटर मुस्लिम जो राइटर्स थे वो पंजाबी लैंग्वेज में लिखते थे और जो मुस्लिम राइटर पंजाबी लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखते थे उन्हें किस्सा कहते थे द मोस्ट फेमस किस्सा हीर रांझा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्सा है हीर रांझा जो कि मुस्लिम राइटर्स लिखते थे पंजाबी लैंग्वेज में रिटर्न बाय वारिस शाह और मुस्लिम राइटर का नाम है वारिस शाह सबसे फर्स्टली हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि जो राइटर थे मुस्लिम राइटर वारिश शाह उन्होंने हीर रांझा को कंपोस्ट किया था और रांझा एक मुस्लिम राइटर ने पंजाबी लैंग्वेज में लिखा था तो इसे हम क्या कहेंगे किस्सा इट मींस हीर रांझा को क्या कहेंगे हम किस्सा फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रोथ ऑफ तेलुगु तेलुगु में की ग्रोथ है द रूलर ऑफ द पावरफुल विजयनगर किंगडम हमने स्टडी किया था कि बहमनी किंगडम में तो बहमनी जो रूलर्स थे उन्होंने तो मराठी लैंग्वेज को पेट्रोनिज किया था पेट्रोनइ इट मीन्स प्रोटेक्शन दिया था इसी तरीके से तेलुगु इसी वे में अगर हम स्टडी करें तो तेलुगु लैंग्वेज को किसने प्रोटेक्ट किया था तेलुगु लैंग्वेज को विजयनगर किंगडम ने प्रोटेक्ट किया था विजयनगर किंगडम का सबसे ज़्यादा करेजियत और ब्रेव पर्सन और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन था कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ द तेलुगू एज ए लैंग्वेज कृष्णदेव राय के टाइम में जो कि विजयनगर एम्पायर का एक प्रॉस्पीरियस रूलर था उसके टाइम में तेलगू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप फॉर्म में थी ही हिम सेल्फ ही किसके लिए आया यहाँ पे ही आया है कृष्णदेव राय के लिए ही हिम सेल्फ वॉज ए ग्रेट पोइट कृष्णदेव राय एक ग्रेट पोइट था बहुत अच्छा राइटर था कृष्णदेव राय की बुक का नाम है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्या अमुक्त एक बुक को कंपोस्ट किया था जो है विच वॉज द ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क ऑफ डैट टाइम जो विजयनगर टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क था जो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था अमुक्त मालियत कृष्णदेव राय ने लिखा था और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था फिर है ही डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द किंग्स कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यम में लिखा था इट मीन्स मेन सब्जेक्ट ऑफ अमुक्त माल्यम इसको अगर आप नोट्स का तरीका बना के लिखेंगे तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट ऑफ अमुक्त माल्यम डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द किंग इसमें किंग की ड्यूटीज बताई गई थी जो किसके टाइम में लिखा गया था कृष्णदेव राय ने लिखा था और विजयनगर रूलर था कृष्णदेव कृष्णदेव राय और उसके टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस स्टेज में था जो भी जो पूरा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस स्टेज में था फिर हमारा आ जाता है विजयनगर टाइम में ही कृष्णदेव राय के टाइम में ही तेनाली रामा। तेनाली रामा वॉज हिज फेमस कोर्ट पोइट कृष्णदेव राय का फेमस कोर्ट पोइट था तेनाली रामा। एंड ए वाइस मैन बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही ग्रेट राइटर था बहुत अच्छा लिखता था फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइज ऑफ लोकल रिलीजियस कल्चर रिलीजियस कल्चर अब रिलीजियस कल्चर कौन कौन से हैं सबसे फर्स्ट है द जगन्नाथ कल्ट कल्ट का इंस इट मीन्स ये होता है जो आगे जो रिलीजन होता है उसे हम कल्ट कहते हैं कल्ट इट मीन्स क्या होता है रिलीजन तो सबसे फर्स्टली है वॉर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ किसकी फॉर्म है लॉर्ड जगन्नाथ है विष्णु की फॉर्म है ए नेम फॉर विष्णु इट मीन्स विष्णु भगवान को लॉर्ड जगन्नाथ भी कहते हैं जो उस टाइम में लॉर्ड जगन्नाथ जैसे विष्णु भगवान की जो वॉर्शिप होती थी वो पूरी में होती थी पूरी कहाँ पे सिचुएटेड है उड़ीसा में सिचुएटेड है इज़ ए एक गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ द लोकल रिलीजियस कल्चर ये एक सबसे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है रिलीजियस कल्चर का कल्ट को हम या कहेंगे रिलीजन तो रिलीजन डेवलप हुआ था कौन सा रिलीजन डेवलप हुआ था उड़ीसा के पूरी में लॉर्ड जगन्नाथ की वॉर्शिप होती थी लॉर्ड जगन्नाथ किसका फॉर्म है विष्णु का फॉर्म है फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन द ट्वेल्थ सेंचुरी वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गंगा डेंसिटी गंगा डेंसिटी का एक रूलर था जो कि उड़ीसा में गंगा डेंसिटी उड़ीसा के आसपास सिचुएटेड थी नेम्ड राजा अनंत वर्मन इट मीन्स ट्वेल्थ सेंचुरी में गंगा डेंसिटी का डेवलपमेंट हुआ था गंगा डेंसिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उड़ीसा के आसपास एरिया में उस टाइम में राजा अनंत वर्मन गंगा डेनस्टी का रूलर था और गंगा डेनस्टी का फॉर्मेशन ट्वेल्थ सेंचुरी में हुआ था राजा अनंत वर्मन ने पुरी में एक टेंपल एस्टैब्लिश किया था वो टेंपल पुरी में जो टेंपल राजा अनंत वर्मन ने इस्टैब्लिश किया था वो लॉर्ड जगन्नाथ की वॉर्शिप के लिए था लॉर्ड जगन्नाथ एक फॉर्म था विष्णु की फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है तो स्टूडेंट्स हमने अपने सेकेंड वीडियो में क्लास सेवन एस एस टी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन सिक्स स्टडी किया था हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन सिक्सथ का ही थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे